कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी गोले के कारण उसके अंदर या बाहर वैद्युत विभव कितना होता है। जैसे आपने पढ़ा था किसी गोले के कारण अंदर या बाहर चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसी प्रकार किसी गोला है अगर कोई गोला तो इसके अंदर कितना होगा और इसके बाहर कितना होगा वैद्युत विभव, उसकी गणना हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो गोले की बात करें तो गोला दो प्रकार का होता है, एक हॉलो होता है एक सॉलिड होता है, एक खोखला गोला होता है और एक ठोस गोला होता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक कंडक्टिंग होता है एक नॉन कंडक्टिंग, और ये भी एक कंडक्टिंग होता है एक नॉन कंडक्टिंग। अब ध्यान दो इन तीनों के कारण चालक कुचालक और चालक, यानी खोखला चालक खोखला कुचालक और चालक ठोस चालक, इन तीनों के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो समान होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके सरफेस पर इनके पृष्ठ पर ही केवल आवेश होते हैं। आवेश क्या होता है? जब हम बात करेंगे ठोस की बात तो चार्ज जो होते हैं चालक में वो चार्ज सारे कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहला इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आते हैं? बहले इलेक्ट्रॉन के घर के अंदर रहते हैं क्या? रुक पाते हैं क्या? जो बहले लोग होते हैं सारा जिम्मेदारी वही तो करते हैं, बाहर के झगड़ा जो भी केसेस होते हैं उन्हीं की वजह से होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे तो हमेशा, लेकिन वो उपयोगी भी होते हैं, घर का काम भी करते हैं। तो मैंने कहा जो चालक होता है, जैसे ये ठोस की बात करेंगे, आप कहोगे सर ये ठोस है तो इसके अंदर तो चार्ज होना चाहिए। हाँ, वो चार्ज बाहर चला जाता है, क्या आता है? पृष्ठ पर। तो इन तीनों के कारण जो चार्ज होता है वो सदैव कहाँ पर होता है? पृष्ठ पे होता है। इसीलिए इन तीनों के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो एक समान होता है। तो सबसे पहले इनके कारण हम वैद्युत विभव निकाल लेंगे अंदर और बाहर, उसके बाद इसके कारण। यहाँ पर क्या होता है, दो बात मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो चार्ज होता है यानी जो आवेश होते हैं, आवेश कहाँ पर होते हैं बेटा? आवेश पृष्ठ अर्थात सतह पर होते हैं। यानी यहाँ ध्यान देना है आपको, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें जो आवेश होता है चालक हो, हेलो चाल हेलो है तो वैसे ही दो, खोखला है तो पृष्ठ पर ही होगा, इसमें तो डाउट नहीं है, इसमें भी पृष्ठ पर ही होगा। ये ठोस है, अब ठोस के अंदर क्या होता है? ठोस के अंदर जो बैलेंस, सुनो सुनो मेरी बात, ठोस के अंदर एटम होते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है? सरफस पर होता है। अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बात आप जानते हो। चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि नेट आवेश क्या होता है चालक के अंदर? जीरो होता है। नेट आवेश जो आवेश सभी होते हैं वो कहां पर चले जाते हैं बेटा? पृष्ठ पे आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? तो इसीलिए ठोस चालक हो चाहे खोखला चालक हो चाहे खोखला अर्ध चालक हो, सभी के कारण आवेश कहां पर होते हैं? पृष्ठ पर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आवेश क्या होते हैं पूरे आयतन में? क्या होते हैं बेटा? आवेश पूरे आयतन में होते हैं, पूरे आयतन में। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां पर आपको इस सारी चीजों को बताएंगे कि आवेश कैसे होते, पूरा पूरे आयतन में होते हैं, वहां ये पूरा इसका विशेष टॉपिक है। तो यहां बस आपको इतना जानना है कि इसके पृष्ठ पर होता है, यहाँ पूरे आयतन में होता है, समझ गए ना? तो इस चीज को नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखो, हमें ठोस चालक खोखले चालक था खोखले कुचालक के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम बाहर की ओर ज्ञात करेंगे। अब ध्यान दो, हमने अभी बताया इन तीनों स्थितियों में जो आवेश होते हैं पृष्ठ पर होते हैं। मैंने माना कि आर त्रिज्या का एक खोखला एक गोला है, एक खोखला भी हो सकता है और सॉलिड भी चालक हो सकता है, समझ गए ना? अब हम बात करेंगे कि इससे इसके केंद्र वो से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो बाहर की ओर है, यहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, समझ गए ना? ये बात आपके ध्यान में आ गया। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे? माना आर त्रिज्या का एक गोला है, चालक गोला है या वो क्या होता है खोखला गोला हो सकता है, तीनों में कोई भी दे देगा आपको, एक केस दे सकता है, तीनों एक साथ दे सकता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आपको पता है गोले के कारण बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? गोले के कारण बाहर की ओर गोले के कारण बाहर की ओर वैद्युत विभव कितना होता है? देखो, इसके
अरे सॉरी, वैद्युच्छेद कितना होता है? वैद्युच्छेद का सूत्र बताओ, ई बराबर होता था के क्यू अपान आर स्क्वायर। वेरी गुड, ये तो आया था, ये वैद्युच्छेद आया है। अब यहां पर देखो, गोले पर आवेश एक समान से वितरित है, तो वैद्युच्छेद सभी जगह क्या होगा? समान होगा। और जब वैद्युच्छेद समान होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? याद करो, डेल्टा बी बराबर माइनस वेक्टर ई इंटू डेल्टा आर। ये तो लगता है, समझ गए ना? ऐसा कब लगता है? जब क्या हो, वैद्युच्छेद एक समान, समझ गए ना? अब यहां पर ध्यान दो, हमें बात करना है कि यहां पर वैद्युच्छेद, लेकिन ये तो विभवांतर है ना? विभवांतर, ये तो दो विभव का अंतर है। और हमें क्या याद करना है? वैद्युत विभव के कारण, यानी एक बिंदु पर ज्ञात करते, दूसरा बिंदु कहां ले लेते हैं? अनंत। जब भी, बहुत आसान तरीका है, एनसीईआरटी ने हमें दे दिया है कि जब भी आपको विभवांतर अगर पता है और तुमको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, तो दूसरा बिंदु कहां मान लोगे? अनंत। तो हमने माना कि अनंत से क्या ले लिया? अनंत से इस आवेश को, अनंत से यहां पर तो वैद्युत क्या होगा? वैद्युत विभव जीरो होगा। अनंत से, तो अनंत से पी तक विभवांतर कितना होगा? यानी अनंत और पी के बीच में विभव में अंतर कितना होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट टू पी, ये तो लिखेंगे अनंत से पी। और इसको क्या लिख सकते हैं? बीपी माइनस बी इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं ना? अब ई का मान रखो, ई का मान कितना है? यहां पर है। अब एक चीज और देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत, ये माइनस चिन्ह क्या बताता है? कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। अब हम कह देंगे इनके पूरे के कारण लगा देंगे यहां इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे बेटा? समाकलन कर देंगे, क्योंकि पूरा हमें पी से इनफाइनाइट लगाना है। तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? पी टू माइनस पी क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट टू पी कर देंगे, समझ गया ना? अब यहां पर हम लिखेंगे पी टू इनफाइनाइट, यानी क्या होगा? पहले लोअर लिमिट होता है ना, चलो इनफाइनाइट टू पी निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ई का मान रखो, ई का मान कितना आया है? के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो आया है, माइनस लगा रहेगा आगे। और इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर को यहां पर डी आर मान लो, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मान लेंगे? डी आर मान लेंगे। तो ये हमारा इंटू क्या? अच्छा ये बताओ, डी आर की दिशा किधर है? इधर की ओर है। और ई की दिशा भी क्या है? इनके बीच में कोण कितना है? जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ई डी आर कॉस जीरो, जो दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर आ जाए, ये तो जीरो हो जाएगा, केवल बीपी बचेगा, बीपी माइनस जीरो। अनंत पर वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। और यहां पर आ जाएगा इनफाइनाइट टू पी, और ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये तो आएगा। कॉस जीरो का मान वन होता है। अब ध्यान दो, के और क्यू तो कांस्टेंट है, ये गोला तो बदल नहीं रहा है। अगर गोला नहीं बदलेगा तो आवेश नहीं बदलेगा। के क्या है? नियतांक तो है ही, इसमें बदलेगा केवल आर बदलेगा। आर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, समझ गए ना? तो हम इन दोनों को बाहर कर लेंगे, माइनस के क्यू को बाहर करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट टू पी डी आर अपान आर स्क्वायर। अब इसका समाकलन क्या होता? ध्यान दो, ध्यान दो, अगर कभी भी आपको दे दे, यहां पर ध्यान दो, वन अपान एक्स पावर एन डी एक्स, अगर ऐसा दे दिया है तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स पावर माइनस एन प्लस वन बटा माइनस एन प्लस वन, यही होता है। ये फार्मूला होता है मैथ का, ध्यान देना। अगर कहीं ऐसा दिया है तो यहां पर ध्यान दो, यही तो दिया है, एन का मान टू है ना, तो इसको हम जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू, उस फार्मूले को लगाओ, आर पावर माइनस टू प्लस वन बटा माइनस टू। देखो कुछ फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहां दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस एक बचेगा। दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस एक बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी यहां से बीपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? के क्यू और अपान आर लिख सकते हैं ना, अरे माइनस आर हो जाएगा और नीचे आएगा तो प्लस आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे यहां पर एक स्टेप और लिख लो, इसको लिख सकते हैं माइनस के क्यू, और यहां लिख सकते हैं आर पावर माइनस वन, और बटा क्या लिख सकते हैं? माइनस वन, माइनस माइनस
हाँ लिमिट लिमिट भी लगाए रहो यार, इनफाइनाइट टू ठीक। अरे अभी कोई बात नहीं, लिमिट वही आ जाएगा, अभी एक का जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर समझे ना, ये आर पावर माइनस होने तो नीचे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब देखो इनफाइनाइट टू पी का मतलब क्या हुआ कि पी का तो यहाँ पर अगर आर का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और पी की वैल्यू क्या है, अरे यहाँ पर ये इनफाइनाइट टू आर रहेगा, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर मतलब आर तक लेकर आ रहे हैं ना, दूरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, एक बार आर रखेंगे और एक बार माइनस के क्यू अपान इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसको हटा दो, डायरेक्ट यहीं तक लिख दो, यानी आपका जो वैल्यू आ गया ये देखो, यानी बाहर की ओर इन तीनों के कारण बाहर की ओर जो वैद्युत विभव होगा उसका मान कितना आ जाएगा, के क्यू अपान आर। अच्छा के की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से बी पी बराबर आ जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन और क्यू बटा आर, ये आ गया किसी भी। अच्छा ऐसा क्यों आया, ये तो ये फार्मूला आपने पहले भी डेरिवेशन किया है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्या निकला था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, यही तो आया था, याद करो मैंने एक बिंदु आवेश पी लिया था, यहाँ पर आवेश था, एक अनंत से आवेश को लेकर आया था, पहला डेरिवेशन जब कराया था मैंने, दूसरा टॉपिक था शायद इसका, इस चैप्टर का, यहाँ ध्यान दो, तो ये इसके कारण भी, यानी ये एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है गोला, अगर तुम जितना दूर चले जाओगे ये गोला बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो याद रखो चाहे वो गोला हो, गोले के कारण हो, चाहे जितनी बड़ी त्रिज्या हो, फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना गोले की त्रिज्या चाहे जितनी बड़ी हो, तो जो फार्मूला बिंदु आवेश के कारण लगता है आर दूरी पर, वही फार्मूला गोले के कारण आर दूरी पर लगता है, दोनों फार्मूले सेम है। तो सवाल लगाते हुए कभी ये कंफ्यूजन नहीं होना कि अगर गोले के बाहर ज्ञात करना है और बिंदु आवेश के बाहर ज्ञात करना है तो दोनों में कंफ्यूजन हो। हाँ बाहर के लिए दोनों का, अंदर के लिए बात अलग हो जाएगी, लेकिन बाहर के लिए क्या होगा, वैद्युत विभव सेम होगा, समझ गए ना। तो इतना नोट करो, इसको नोट कर लो आप लोग, हाँ इनफाइनाइट टू पी, अरे इनफाइनाइट टू पी मतलब क्या हुआ, आर, दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे ये पूरा दूरी आर है ना, यहाँ से यहाँ ठीक है, ये दूरी क्या है, आर है, समझ गया ना, तो इसीलिए मैंने लगाया। अब इस बार हमें जान दो कहाँ ज्ञात करना है, गोले के अंदर, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर हमने आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, अब यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो सबसे पहले ध्यान दो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, ये बात आपको, खोखला गोला हो, कुचालक वो क्या होते हैं, ठोस चालक गोला हो या खोखला चालक गोला हो या खोखला कुचालक गोला हो, इन तीनों स्थितियों में जो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अब ध्यान दो, अब आप कहोगे सर यहां पर हमें पी निकालना है, तो इस बार अनंत से क्यों नहीं लेते हैं, हर बार तो अनंत लेते थे, यहां पर अनंत क्यों नहीं ले रहे, तो यहां ध्यान दो, इंटीग्रेशन यानी समाकलन और अवकलन तभी लगेगा जब जो फंक्शन है, यहां पर फंक्शन ई है ना, जब ये ई का मान सतत होना चाहिए, यहां पर अचानक यहां पर ई का मान मैक्सिमम हो जाता है और इसके बाद तुरंत जीरो हो जाता है, जैसे अंदर ई प्रवेश, दो इस पॉइंट पर ई का मान क्या होता है, इस पॉइंट पर ई का मान अधिकतम होता है सरफेस पे, लेकिन जैसे इसके अंदर आओ ई का मान, तो यहां सतत है, अचानक चेंज हो रहा है, और जब अचानक चेंज होगा तो अनंत से हम आवेश को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर वो फंक्शन काम नहीं करेगा, यहां धीरे धीरे चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर अधिकतम, देखो मेरी बात सुन, इस पॉइंट पर ही अधिकतम, इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा कम, ऐसे होता है, लेकिन इधर तुरंत जीरो तो है ना, ही है ना लोजा, तो इस बुक में लिखा रहता है कि एक बिंदु सरफेस के बाहर लेते हैं इसको, लेकिन यहां क्यों लेते हैं, अनंत क्यों नहीं लेते, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अनंत इसलिए नहीं लेते इस केस में दूसरा बिंदु, क्योंकि यहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी अचानक चेंज हो जाता है, और अचानक घट या बढ़ जाने के केस में हम इंटीग्रेशन और समाकलन नहीं करते हैं, समझ गए ना। तो यहां पर देखो डेल्टा आप कहां से लेंगे, एस टू पी, लेकिन एस से पी, यानी अब आवेश एस से पी आएगा, समझ गया ना, तो यहाँ एस से पी, और ये क्या हो जाएगा, ई, इस केस में ई का मान क्या होगा, ये माइनस इंटीग्रेशन और जीरो इंटू डी आर,
क्योंकि ई पी तो ये बराबर जीरो हो जाएगा, तो बी पी माइनस बी एस बराबर जीरो, तो बी पी बराबर क्या हो जाएगा, नहीं बी पी बराबर बी एस के हो जाएगा। और बी एस कितना है, और के क्यू अपान, और ये राशि क्या है, नियत है। देखो आर भी नियत है, क्यू भी नियत है, के भी नियत है। तो याद रखना वैद्युत छेद चालक के अंदर जीरो होता है, खोखले चालक या गोले के अंदर, लेकिन वैद्युत विभव का मान गोले के अंदर सभी जगह नियत होता है। ये बात आपको याद रखना, ये बात ये आया था कंपटीशन में, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आया था कि गोले के अंदर वैद्युत विभव का मान सभी जगह क्या होगा, जीरो होगा, नियत होगा, असमान होगा, परिवर्तनशील होगा, तो नियत होगा। यानी गोले के अंदर क्या होता है बेटा, गोले के अंदर यानी जो चालक, गोले के अंदर चालक या खोखला ले लो, चालक या खोखला, ठोस चालक यहां पर लिख लो, ठोस चालक या खोखले, खोखले चालक वा कुचालक, कुचालक के अंदर क्या होता है, के अंदर सभी जगह, अंदर सभी जगह, सभी जगह विभव क्या होता है बेटा, विभव नियत होता है। ये बात आपको ध्यान देना, सभी जगह विभव क्या होता है, नियत होता है, समझ गए, इतना नोट करो आप लोग। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर सभी जगह विभव नियत होता है। हाँ ध्यान दो, हमारे पास ठोस कुचालक गोला है, क्या बेटा, ठोस कुचालक। तो कुचालक हो चाहे चालक हो, आवेश सब में रहते हैं। चालक में जो आवेश होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पृष्ठ के ऊपर रहते हैं, वो चलते रहते हैं, ऐसे फैलते रहते हैं। लेकिन कुचालक के जो आवेश हैं वो बंधे होते हैं, इसीलिए इनमें इनमें भी पोटेंशियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पोटेंशियल पाया जाता है, लेकिन ये बंधे होते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है इस कुचालक गोले के कारण पहले बाहर की ओर, तो बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, जानते हो, तो यहां पर भी एक समान होगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन करें अनंत से इनफाइनाइट तक, तो यहां पर डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इनफाइनाइट टू पी क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन डी वेक्टर डी इंटू डी आर, ये तो होता है। उठा के रखोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टू पी माइनस ई का मान कितना है बेटा, के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर, कास जीरो हो जाएगा, क्यों कास जीरो क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही है, और आर वेक्टर आर की दिशा इधर ही है, तो दोनों की दिशा एक ही है, तो इसलिए थीटा का मान क्या होगा, जीरो। तो यहाँ कास जीरो का मान वन हो जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के क्यू अपान आर, ये तो आ जाएगा, अरे अभी किए ऊपर, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी पी माइनस बी इनफाइनाइट, अच्छा बी इनफाइनाइट का मान क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाएगा के क्यू अपान आर। यानी यहां पर भी बाहर की ओर जो वैद्युत विभव होगा वो यही होगा, समझ गया ना। अब हम बात करेंगे अंदर, क्या बात करेंगे बेटा, अंदर की ओर, अंदर की ओर विभव कितना होगा, अंदर की ओर। तो चलो दूसरे केस में हम मान लेंगे अंदर की ओर, तो यहां पर क्या करेंगे, बिंद मैंने मान लिया यहां पर P डैश, ये अंदर की ओर है, समझ गया ना सर, P टू इनफाइनाइट रहेगा, P इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू अनंत से ला, देखो यहां पर ध्यान दो, जो इधर रहता है इसका मतलब होता है अनंत से P तक लाते हैं, अनंत से, और जिधर से देखो हमेशा यारो आवेश हमेशा हाई लो पोटेंशियल, क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर गति करता है, समझ गया ना, हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से, ये तो मैंने फिजिकल मीनिंग बताया था आपको, क्योंकि जैसे ताप क्या होता है उच्च से निम्न की ओर जाता है, ऐसे विभव भी जाता है उच्च से निम्न की ओर जाता है, समझ गए ना, ये बात आपको ध्यान। तो ये तो हमारा हो गया अंदर की ओर। अब हम करेंगे यहां पर, अगर ये त्रिज्या मैं आर मान लू, चलो पहले इतना नोट कर लो आप लोग, इतना नोट कर लो। तो आज हमने ठोस गोले के कारण अंदर की ओर, चालक के कारण बाहर की ओर, मैंने वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन किया है। कल हम लोग पढ़ेंगे कुचालक गोले के कारण अंदर की ओर वैद्युत विभव कितना होगा, उसके बाद हम लोग समविभव पृष्ठ की गणना करेंगे। आशा करते हैं आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।